जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये बहुत बड़ा खुशखबरी लाई है। इस बार सभी को मिलने वाला नौकरी, ये मेरे भाई सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बता देता हूँ कौन से वैकेंसी निकल के आए। SSC MTS रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आया, जो टोटल पोस्ट है 11,409, यानी कि बहुत बड़ा पोस्ट है। ये आपके लिए बहुत बड़ा पोस्ट है, आप यहाँ से आपकी पोस्ट आपके कर सकते हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने वैकेंसी है, कब ऑनलाइन करेंगे कर सकते हो, कब लास्ट डेट है। अतः हम निश्चय जो देख सकते हो, SSC MTS रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि SSC MTS रिक्रूटमेंट 2023 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो SSC GD हैज रिलीज्ड ए लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 11,709 पोस्ट। ये बहुत बड़ा पोस्ट है मेरे दोस्तों, आपके लिए ये गुड चांस है। इंक्लूडिंग मल्टी टेक्सिंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर द SSC MTS वैकेंसी 2023। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से आपकी पोस्ट, आपके करियर को सुधार सकते हो। तो हम नीचे आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी। द ऑर्गेनाइज नेम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, लास्ट डेट कब है, 17 फरवरी 2023, यानी कि टाइम है। वैकेंसी टोटल कितने, 11,709 पोस्ट है। पोस्ट का नेम क्या, मल्टी टेक्चिंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। ऑनलाइन पे एप्लीकेशन आप कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ यही में बताऊंगा, यही इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आप सही से देखोगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, और आपको मतलब कि अप्लाई करने के बाद कैसे कौन सी प्रोसेस अपनाना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देनी है, सारी प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो आपको पोस्ट आप देख सकते हो, मल्टी टेक्सिंग स्टाफ में कितने पोस्ट है, 10,880 पोस्ट है। और हवालदार दो पोस्ट है, आपको दो कैटेगरी है, हवालदार में कितने, 529। तो इसको मिला के क्या, 11,709 पोस्ट है। तो हम देखेंगे एज, एज आपको कितने होने से, एज यहाँ पे देख सकते हो, जो 18 से 25 ईयर्स, यानी कि आप 18 के हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट आपको कितना साल होना से, 25, तो सब अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने मेरे भाई सोच रहे हैं कि मेरा 23 साल निकल गया है, उनके लिए तो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, और अच्छा खासा पोस्ट में भी SSC में, जो हवलदार भी आप बन सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कितने के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 2 जनवरी 2098, और कितने कितने तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2005 की, इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आपको 18 से 27 ईयर्स, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996, ये तो हो गए। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे एज रिलेक्शन, जी हाँ, एज रिलेक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो अच्छा खासा एज रिलेक्शन मिल जाएंगे। देख सकते हो जो SC ST है उनके लिए 5 ईयर्स मिल जाएंगे, यानी कि वहाँ पे हो गया कितना, वहाँ पे कितना, 27 साल और 5 के लिए 32। 3 ईयर्स किसको मिल जाएंगे, OBC MOBC के लिए, और PWD के लिए इनके तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, 2 साल मिल जाएंगे, 10 साल। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको मतलब कि देना पड़ेगा 100 रुपीज़, दो सिंपल सा है, DWS के लिए 100 रुपीज़, OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, और बाकी के लिए बिल्कुल फ्री। पेमेंट मोड आप कैसे कर सकते हो, पेमेंट मोड ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, या बैंक में चालान काट के भी पेमेंट आप कर सकते हो। हम देखेंगे क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, जो कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि आप पास, आप सिंपल सा मेट्रिक पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कोई भी कैटागोरी यहाँ पे नहीं लिखी है कि इतने परसेंटेज आपके होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं लिखी है, बस आपके सिंपल मेट्रिक पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बार बार बता देता हूँ, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई जल्दी जल्दी अप्लाई करो, और ब्लॉक 24 के साथ जुड़े रहे, आपके जो SSC MTS के एग्ज़ाम के पैटर्न आपको पता चलेगा, आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, हिंदी, 13 लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आपको कितनी फैसिलिटी मिल रही है, आपको किस तरह की फैसिलिटी मिल रहा है, कि आपको एग्ज़ाम में कितनी हेल्प मिलेंगे। 13 लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, कि असामीज, बंगाली, गुजराती, कर्नाटक, कनकनी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो 13 लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। जिस लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो
मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जल्दी अप्लाई कीजिए। हम यहाँ पे देखेंगे हाइट चेस्ट में कितने चाहिए PTPST के लिए, यानी कि जो आपके रनिंग वगैरह तो होंगे। तो आपको देखते हो इवेंट, इवेंट में क्या क्या दे रखे हैं, वॉकिंग वॉकिंग साइकिलिंग हाइट चेस्ट एंड वेट। तो हम देखेंगे इवेंट में वॉकिंग मेल के लिए कितना है, 1600 मीटर। 1600 मीटर कितने में बनने दोनों, 15 मिनट, यानी कि आपके यहाँ पे रनिंग नहीं होगी, आपके यहाँ पे वॉकिंग होगी, यानी कि आपको पैदल चलना है। फीमेल के लिए कितना, 1 किलोमीटर 20 मिनट में, 1 किलोमीटर जाना है कितने, 20 मिनट में, यानी 1000 मीटर, समझ गए हो। तो वॉकिंग होंगे आपको यहाँ पे, रनिंग बिल्कुल नहीं है, रनिंग की बात नहीं कर रहे, वॉकिंग की बात कर रहे। साइकिलिंग के होंगे 8 किलोमीटर 30 मिनट में, साइकिलिंग हमको पता है तो साइकिल चलाना है आपको, बिल्कुल सही है। 8 किलोमीटर आपको कितने दोनों, 30 मिनट में तो कर लोगी, कोई बात नहीं दोस्तों। तो फीमेल के लिए कितने, 3 किलोमीटर 25 मिनट में, तो मेरी बहन जो भी है बहन के लिए भी और भी आसान है। हाइट आपको कितनी चाहिए दोस्तों, हाइट आपको होना चाहिए मेल के लिए 157 पॉइंट, हाइट आपको कितनी होना चाहिए दोस्तों, हाइट होना चाहिए 157.5 cm मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152। चेस्ट आपकी कितनी कितनी होना चाहिए दोस्तों, 76, यानी कि फुला के आपको कितनी होना चाहिए, 81। फर्स्ट सेम आपको एक्स्ट्रा दिखाना है, फीमेल के लिए कोई नहीं है इसमें सूट है। वेट आपको देखे नहीं जाएंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए वेट देखे जाएंगे 48 kg। हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में आपको कंप्यूटर बेसिक एग्जाम है दोस्तों, आप सभी को पता है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो SSC JEE ने SSC ने, सभी का ऑनलाइन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 25 25 मार्क है, और कितने आपको टाइम कितने दिया जाएंगे, साइट कितने टाइम दीजिएगा, 45 मिनट्स। रिजोनिंग 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कितने मार्क है, 60। रिजल्ट से सीजन 2 और 1 एंड 2 आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे जनरल नॉलेज होंगे, इंग्लिश होंगे, ये हो गया आपके एग्ज़ाम के पैटर्न। तो मैं इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, एग्ज़ाम के सिलेबस में एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा आपको, सही से बताऊंगा कि एग्ज़ाम सिलेबस कौन से एग्ज़ाम में आने वाला है, कौन कौन सा सिलेबस। और मैं ये भी बताऊंगा आपको ब्लॉक 24 में किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये था SSC MTS के नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। मैं मेजन हूँ, मेरे ब्लॉक 24 में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे भाई मेरे दोस्तों उनके हेल्प करनी। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरा सोशल मीडिया के लिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, या आप कमेंट करके भी बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।